हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कैनोनिकल फॉर्म, रीमन मेथड ऑफ लीनियर हाइपरबॉलिक इक्वेशंस। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में के चैप्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम कैनोनिकल फॉर्म किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर मिलेंगे। तो मैं आपको पूरा मेथड समझाऊंगी, फिर इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, दोनों को एक ही बात से बोला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होती है कि कैपिटल आर आर प्लस कैपिटल एस एस टी टी प्लस पी स्मॉल पी क्यू क्यू जेड जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। नाउ यहाँ पे कैपिटल आर एस टी पी क्यू ये सब क्या है, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है किसके, एक्स और वाई के। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई टू न्यू वेरिएबल यू एंड पी। ठीक है, अब एक्स और वाई को हम कंटिन्यूसली चेंज करेंगे विद द वेरिएबल यू एंड वी। तो यू एंड वी के फॉर्म में इसको हम इस तरह से चेंज कर देंगे, यू इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई, वी इज इक्वल टू वी एक्स कॉमा वाई, कंसिडर एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सेकेंड इज चूजन शो डैट द रिजॉल्विंग इक्वेशन इज सिमिलर दैन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल पी है वो होगा इस तरह से डेल जेड बाई डेल एक्स। सो डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू लिखेंगे, फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस इसको हम यू और वी में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स। एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि डेल जेड आप यहाँ पे लिखें, फिर इसके डायगोनल में डेल एक्स, फिर डेल यू। ठीक है, प्लस डेल जेड, फिर डायगोनल में डेल एक्स और इधर डायगोनल में सिमिलर डेल वी। अब इसमें से हमने क्या करा, जेड कॉमन निकाल दिया। जेड किस में से निकालेंगे, यहाँ से, क्योंकि यू वाई एक्स और यू वाई वी तो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, डेल अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स, जेड हमने कॉमन निकाल लिया। तो ये तो हो गया हमारे पास पी का, पी की वैल्यू जिससे हम फाइंड आउट करते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स से। फिर क्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, क्यू इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो अब की बार क्या होगा, एक्स की प्लेस पे वाई आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी डेल वी अपॉन डेल वाई। अब इस सब में से हमने क्या कॉमन निकाला, सेम एज जेड। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है हमारी, कैनोनिकल फॉर्म किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आज का हमारा वीडियो का एम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कैनोनिकल फॉर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स में के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। सो कैनोनिकल फॉर्म को हम किस तरह से, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, तो मैं आपको पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल में आप में से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, जैसे कि जापिट मेथड के किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, बाउंड्री वैल्यूज के किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप वो सब चाहते हैं, तो आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और कमेंट करें, और प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस द इक्वेशन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर टू द कैनोनिकल फॉर्म। सो हमें द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, वो हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, सो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन हैज, तो पहली बात तो हमें फर्स्ट एम होता है कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उसको हमें इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, मतलब कंपेयर भी करना है। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, आर माइनस एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या होता है, आर, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई क्या होता है, टी, P क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और Q क्या होता है हमारे पास, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, R हमारे पास ये होता है, यहाँ आप लिख लें पहचान है। ठीक है, डेल जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, टी होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ऐसा होता है हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ओके, सो यू गिवन इक्वेशन हमें कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आर माइनस एक्स
ये जो हमारे पास इज इक्वल टू, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिया है, आर माइनस एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये किससे सिंबलाइज होता है, टी से। ठीक है, नाउ इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो वेयर आर क्या है हमारे पास, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, कोमा टी क्या है हमारे पास, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने डिनोट यहाँ पे लिख दिया है। नाउ कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को विद द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, कैपिटल आर आर प्लस एस एस प्लस टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया। नाउ वी हैव, अब यहाँ पे हमारे पास आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, वन। ठीक है, क्योंकि इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो आर के स्मॉल आर तो स्मॉल आर है, ठीक है, कैपिटल आर क्या है, वन। सो कैपिटल एस क्या है, एस तो हमें दे ही नहीं रखा, जीरो। टी क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी है ये जो विद साइन के साथ लेंगे, ठीक है, कैपिटल टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, और फंक्शन तो आगे कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, नाउ अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अब हमें इस वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्डा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्डा क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो होती है ये दो फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही है, एक तो ये और ये। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू जीरो। आर की वैल्यू कितनी है, वन, हमने यहाँ रख दी। एस की वैल्यू कितनी है, जीरो। टी की वैल्यू कितनी है, माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। लैम्डा आप इसकी वैल्यू इसे सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, लैम्डा वन आ गया प्लस एक्स, लैम्डा टू माइनस एक्स, और दोनों कितने हैं, साइन क्या है, डिफरेंट है, रियल है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, रियल फॉर्म है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई, अब हमें आगे इसको और कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है, वो देखते हैं। हमारा मेन मोटिव है वैल्यूज को फाइंड आउट करना, आर स्क्वायर जेड अपॉन आर एक्स स्क्वायर, और ये इन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। ठीक है, सो आगे हमने करा डिफरेंशिएट इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा वन एंड लैम्डा टू आर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा वन इज इक्वल टू जीरो, एंड डेल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा टू इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन हमें हमारे पास आ गई। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट। अब इक्वेशन नंबर थर्ड में हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, लैम्डा वन की। लैम्डा वन की वैल्यू कितनी थी, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये सेम ऐसे ही। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एक्स को यहाँ माइनस में लिया है और डी एक्स को ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन आप कर लेंगे इजिली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन। सो वाई प्लस, यहाँ इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सी वन। सी वन की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, सी टू की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर फोर को हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ लैम्डा टू की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से, हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, कंसिडर एज इक्वेशन नंबर सेकंड, सेम ऐसे ही, डी वाई ऐसे ही, और इसको हम राइट हैंड साइड लेंगे तो एक्स डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू। नाउ और वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी टू। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर एट बोल देंगे, और पहले वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशन सिक्स बोलेंगे। आपको बस क्वेश्चन को पूरा पैटर्न देखना है, पांचवी पांच क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होगा हर एक क्वेश्चन की वजह से, लेकिन करने का तरीका वही रहेगा, तो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास इक्वेशन नंबर सिक्स और इक्वेशन नंबर एट जो आ गई थी, उसमें चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई टू यू एंड वी से। ठीक है, वी कंसिडर, हमारे पास सी वन इज इक्वल टू क्या आया था, वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको ले लेंगे हम यू। सी टू क्या आया था, वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको हम लेट कर लेंगे वी से। सो हमने क्या करा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई को चेंज कर लिया किससे, यू और वी से। ठीक है, इसको इक्वेशन नाइन और टेन हमने कंसिडर कर लिया। दस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड यू कॉमा वी, यू इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा वी, v इज इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, इक्वेशन नंबर इलेवन। सो वी हैव p की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, p
पी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था डेल जेड अपॉन डेल एक्स, वो क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब हमारे पास क्या है, यू हमारे पास ये है, वी हमारे पास ये है। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसको पार्शल डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स अपॉन टू, टू से टू कैंसिल एक्स, ठीक है। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के एक्स, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एक्स, ये डेल जेड अपॉन डेल यू सेम ऐसे ही, इसमें हमने वैल्यू रख दी माइनस के एक्स, ये डेल जेड अपॉन डेल वी ऐसे ही। इक्वेशन नंबर 11 हेयर हमने यहाँ पे लिखा भी है डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स है एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस के वाई है ऑल्सो, ठीक है। ऑल्सो हम पी को इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स इम्प्लाइज डेट एक्स डेल यू अपॉन डेल डेल अपॉन डेल यू माइनस एक्स डेल अपॉन डेल वी। जेड यहाँ से हमने क्या करा कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और कैंसिल आउट कर दिया। नाउ क्यू फाइंड आउट करें, क्यू होता है हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल वी अपॉन डेल वाई। अब हम यहाँ पे यू को पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास क्या वैल्यू है वन, ठीक है। वी को पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास वन, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। पार्शली डिफ्रेंशिएट करना आप जानते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई वन, तो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई वन डेल जेड अपॉन डेल यू डेल जेड अपॉन वी ऐसी ही, और इसकी वैल्यू कितनी होगी वन, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा भी है वेयर डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वन और एंड डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वन। सो क्यू की वैल्यू अगेन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जेड कॉमन निकालेंगे तो क्यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई इम्प्लाइज डेल यू अपॉन डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल दिया। अब हम आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम इस तरह से फॉर्म आउट कर लेते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट डेल जेड अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये हमने क्यू की ये वैल्यू हमने फॉर्म आउट करी थी पी से, तो पी से जो वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो हमने यहाँ लिख ली बाय इक्वेशन नंबर 12 मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स ऐसे ही आ गया, वाई की वैल्यू हमने मतलब पी डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा समझने की, अब हमने क्या करा ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए, एक तो ये फर्स्ट और एक ये पूरा सेकंड, पार्शियल डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वी, ठीक है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएट करना यू के लिए, तो यू और वी को हम ऐसे कंसीडर करते थे तो हमारे पास क्या था फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही यू ऐसे ही वी का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही और वी का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये करते तो हमारे पास हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या करा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी है वन, सेकंड हमने एस एट लिख दिया प्लस एक्स ऐसी डेल अपॉन डेल एक्स ऐसी, मतलब इसको इसके साथ डिफरेंशिएट कर तो वन आ गया, ठीक है। इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस के डेल जेड अपॉन डेल वी। अब हमारे पास ये हमने सेम ऐसे ही रख दिया एक्स ऐसी, अब इसको हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे अगेन, ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बाय इक्वेशन नंबर 13, ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर 13 एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल यू माइनस एक्स डेल अपॉन डेल वी, और ये पूरा ही डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी ऐसे ही। 13 देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 13 थी हमारे पास ये पी की वैल्यू जो मैंने इस तरह से लिखी थी, वहां पर डेल अपॉन डेल एक्स की जगह हमने ये पूरी वैल्यू लिख दी, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं ये क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमने वो रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको मतलब इसको इसके साथ हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। यहाँ पे हमने करा है इसको एक्स, इसमें से हमने पहले बार तो एक्स कॉमन निकाल लिया, ठीक है। एक्स कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इस पूरे के साथ हमने डेल जेड अपॉन डेल यू को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करा प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी का हमने पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करा। नाउ अब यहाँ से हमने दोनों की तरफ से एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर को अगेन कॉमन निकाल लेंगे।
अब इसको डेल जेड अपॉन डेल यू को हम अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी। सेम ऐसे ही इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सो आर हमारे पास क्या आ गया, डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट डेल स्क्वायर जेड डेल स्क्वायर यू माइनस टू, क्योंकि टू हमारे पास हो जाए ठीक है सेम है ना, इसलिए माइनस टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 16, अब हम टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल अपॉन डेल वाई डेल वाई सॉरी डेल जेड अपॉन डेल वाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी वो हमने इस तरह से लिख दी। नाउ अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे सो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ठीक है, डेल यू अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी ब्रैकेट डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी ठीक है इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, दोनों एक साथ करेंगे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर तो हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड डेल यू स्क्वायर प्लस टू डेल स्क्वायर जेड डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड डेल वी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 17, आर और आर एंड टी की वैल्यू हमें मिल गई है इक्वेशन नंबर 17 एंड इक्वेशन नंबर 16, वो वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को फर्स्ट में हमारे पास क्या था आर और टी, उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या क्या करा, पहले पी की मतलब पहले डिफ्रेंशिएट लैम्डा वन लैम्डा टू करा फाइंड आउट करा, उसके बाद क्या करा हमने अपने वेरिएबल्स को चेंज करा यू एंड वी में, फिर क्या करा पी क्यू आर इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करी। क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्टली फिर टी और आर की वैल्यू ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ना मिलती है यू एंड वी के फॉर्म में ठीक है, इसलिए हमें वो सब प्रोसेस करना पड़ेगा। सो हमने आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी वो रखी, पूरा ब्रैकेट हमने यहाँ पे रख दिया माइनस, ये पूरी वैल्यू आर की है इतनी यहाँ तक माइनस एक्स स्क्वायर और ये पूरी वैल्यू टी की है इज इक्वल टू जीरो। सिंपल है आगे आपको ब्रैकेट में अंदर कैलकुलेशन ही है, इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई अंदर इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे यहाँ आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगी चीज़ें ठीक है। कैंसिल करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी। ध्यान रखें इस तरह से हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए, वन अपॉन फोर यू माइनस वी ब्रैकेट डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी। सो विच इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, कैनोनिकल फॉर्म में सिर्फ हमारे पास याद रखें u और v में ही वेरिएबल्स होने चाहिए, x और y में नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए ठीक है। सो सिंस हमारे पास ये कैनोनिकल फॉर्म आ गई, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस के 4rt क्या है ग्रेटर देन जीरो है, वैल्यू रख लें आप एक्स स्क्वायर की फोर सॉरी आर एन टी की ठीक है, वो कैसी आएगी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ हाइपरबोलिक। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट होता है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट मेरी आपसे विस रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, उससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरी वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगता है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। सो आगे वाले क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, थोड़े से ट्विस्ट है बस हमारे पास कैलकुलेशन में, तो वो मैं आपको समझाऊंगी, बाकी पैटर्न आपको एज इट इज कॉपी करना है, लेकिन आपको कॉपी में जरूर लिखना है क्योंकि जितनी बार आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से इन क्वेश्चन पर कमांड कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम में अच्छे से भी कर पाएंगे ठीक है। सो रिड्यूस द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो टू कैनोनिकल फॉर्म ठीक है, बाय नेम आता है क्वेश्चन 2008 में आया था और हमारे पास ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा था 2008 लेकिन ये अभी रिसेंटली 15 और 16 17 ईयर में भी आया है ठीक है। सो पैटर्न हमें वही लिखना है थ्योरेटिकल जैसे फॉरवर्ड हमने मेथड्स में लिखे हैं, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी है, पहले तो बात कोशिश करें कि सारे लेफ्ट हैंड साइड लिखे हैं और राइट हैंड साइड जीरो, जैसे अभी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कुछ वैल्यू राइट हैंड साइड थी लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आनी है ठीक है, फिर इज इक्वल टू जीरो, फिर उस इक्वेशन को रिटर्न करेंगे अपने आर टी पी क्यू एस वाले फॉर्म में ठीक है, जो भी आपको इक्वेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये कैसे फॉर्म में लिखा है आर और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई को क्या लिखते हैं टेन ठीक है इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ कंपेयर करेंगे
इक्वेशन को हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करा, आर क्या आ जाएगा 1, एस अगेन हमारे पास 0, टी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, सेम वैसे ही जैसे पहले करा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन आप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, वहां पे हमारे पास क्या था माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो हमारे क्या करना है डेल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, माइनस है तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस की 1 एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस आई एक्स। अब हमारे पास लैम्डा 1 प्लस आई एक्स एंड लैम्डा 2 माइनस के आई एक्स, हमारे पास आई है तो कैसी वैल्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है डोंट वरी। अब हम निकालेंगे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को पार्शियल डिफरेंशियल के फॉर्म में, उसके बाद हम फाइंड करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर। इक्वेशन हमारे पास कैसी है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3 एंड डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पहले तो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करी, आई एक्स इज इक्वल टू 0, सो डी वाई इज इक्वल टू माइनस के आई एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे आप, एक्स स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, c1 की वैल्यू हमारे पास आ गई y प्लस आई एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c1। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 में लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड कर रखेंगे, तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के आई एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे और डी एक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई में कर लेंगे क्योंकि सेम वेरिएबल है। डी वाई इज इक्वल टू आई एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी y माइनस आई एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c2। नाउ अब हम वेरिएबल चेंज करेंगे, C1 और C2 की जगह क्या ले लेंगे U एंड V, क्योंकि हम अपने X और Y के वेरिएबल को किससे इंटरचेंज करेंगे U एंड V से। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास U एंड V कैसे फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, इसको हम Y को ले लेंगे अल्फा प्लस आई और एक्स स्क्वायर बाय 2 को हम कंसिडर करेंगे बीटा, ठीक है। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा इक्वेशन नंबर 8। इसी तरह से v में क्या हो जाएगा y माइनस आई बाय 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस के आई बीटा। यहाँ पे मैंने कंसिडर भी कर लिया कि हमने अल्फा लिया है y को एंड बीटा लिया है एक्स स्क्वायर बाय 2 को, जब भी आपको आपके फॉर्म कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखे तो वहां आपको अल्फा और बीटा कंसिडर करना है। नाउ वी ट्रांसफॉर्म द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई टू अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हमने क्या करा, ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को किसमें एक्स अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन। नाउ अब हमें इससे पार्शियली डिफरेंशिएट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ वी सो पी इज इक्वल टू क्या होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो डेल जेड और डेल एक्स हमें डायग्राम में लिखना है, डेल अल्फा डेल अल्फा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल बीटा डेल बीटा, डेल अल्फा को हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। आई नो अबाउट इट कि आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना अच्छे से आता है, जब हम x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y जीरो हो जाता है, y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x जीरो हो जाता है। x के रेस्पेक्ट में करना है y है तो जीरो, डेल बीटा अपॉन डेल एक्स है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल x, डेल जेड अपॉन डेल बीटा सेम ऐसे ही रहेगा, p इज इक्वल टू हमारे पास ये तो पूरा जीरो हो गया x डेल जेड अपॉन डेल बीटा। इक्वेशन नंबर 10 हमने यहाँ पे वैल्यू भी रख दी, q फाइंड आउट करेंगे डेल जेड डेल वाई, पता है ना आपको कि हम पी क्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें आर ओ टी भी फाइंड आउट करना है, उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। सो आप डायरेक्टली आर ओ टी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, डेल जेड अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे, डेल जेड अब इधर डायगोनल में डेल वाई डेल अल्फा डेल अल्फा डेल जेड डेल वाई डेल बीटा, मतलब मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको ये याद रखना है, डेल जेड और इधर डायगोनल में डेल वाई डेल जेड इधर डायगोनल में डेल, एक बार अल्फा ले लो प्लस एक बार बीटा ले लो। अल्फा को हम पाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 1, बीटा को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमारे पास तो एक्स है तो वाई जीरो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा डेल जेड अपॉन डेल अल्फा क्यू, आर हमारे पास क्या होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से लिख लेंगे ऊपर से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x डेल जेड अपॉन डेल बीटा, ये क्या होता है p, ठीक है बाय इक्वेशन नंबर 10। इसी तरह से अब हम उसको आगे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे 1 डेल जेड अपॉन डेल बीटा प्लस x डेल अपॉन डेल जेड
सो डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल बीटा। नाउ अब हमारे पास ये वैल्यू है, इसको हम इस तरह के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी कैसे लिखा ये देखें, हमने क्या करा, डेल अपॉन डेल अल्फा ब्रैकेट डेल जेड अपॉन डेल बीटा डेल अल्फा बाय डेल एक्स। ओके इसको मैं एक बार आपको देख के बताती हूँ। यहाँ पे हमने क्या करा कि इस पूरे को डेल अल्फा से डिफ्रेंशिएट करा है, तो हमारे पास डेल अल्फा डेल जेड अपॉन डेल बीटा डेल अल्फा बाय डेल एक्स प्लस फिर इस पूरे को बीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल अल्फा अपॉन डेल बीटा ब्रैकेट ऐसे ही डेल बीटा अपॉन डेल एक्स। ठीक है एक्स और वो सॉरी अल्फा और बीटा से डिफ्रेंशिएट करा अलग अलग। नाउ अब हमारे पास डेल अल्फा को एक्स से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे इसकी वैल्यू कितनी है जीरो, बीटा को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास क्या थी एक्स इक्वेशन नंबर 10 से। ठीक है तो हमारे पास ये जीरो हो गया ये एक्स बचा। अब एक्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे डेल स्क्वायर अपॉन जेड डेल बीटा स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सो आर हमारे पास आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल बीटा प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 11। टी फाइंड आउट करेंगे डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई डेल अपॉन डेल बीटा सॉरी डेल अल्फा, हमने वाई को रिप्लेस कर दिया किससे अल्फा से। ठीक है तो टी इज इक्वल टू क्या होगा मल्टीप्लाई कर दो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल अल्फा स्क्वायर, वाई को मैंने किससे रिप्लेस किया अल्फा से, यहाँ ध्यान रखें। ठीक है इक्वेशन नंबर 12। सो सब्सटीट्यूट करेंगे टी और आर की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यह हमारे पास है किसकी वैल्यू आर की, यह हमारे पास टी की। नाउ अब हमने क्या करा यहाँ पर ब्रैकेट जैसे ही हम खोलेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली इस पूरे को हमने साथ ले लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और डेल जेड अपॉन डेल बीटा को हम माइनस में ले गए इधर राइट हैंड साइड में ले गए। ठीक है अब हमारे पास क्या हो गया इस एक्स स्क्वायर को हम नीचे ले आए, कैलकुलेशन है आप हमारे पास डेल स्क्वायर जेड डेल बीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल अल्फा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के टू, एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख देंगे टू बीटा, ये कहाँ से लिखा देखें यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू बीटा, क्योंकि हमें लास्ट की जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसमें हमारे पास एक्स और वाई के वेरिएबल नहीं होने चाहिए। ठीक है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए जो भी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कैनोनिकल फॉर्म के जो हमने वेरिएबल कंसिडर किए थे ट्रांसफॉर्म किए थे अल्फा और बीटा के फॉर्म में वही होने चाहिए, तो वही हमने उसमें ट्रांसफॉर्म किया एक्स स्क्वायर को लिख दिया टू बीटा। सो विच इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन सिंस एक्स स्क्वायर माइनस फोर आर टी लेस देन जीरो हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन सिंस एक्स स्क्वायर माइनस फोर आर टी लेस देन जीरो आ जाएगा, तो हमारे पास कैसा हो जाएगा इलेप्टिकल्स। क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन है आपको पैटर्न सेम वही है आपको बस ध्यान रखना है। सो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये इक्वेशन ये देखिए कैनोनिकल फॉर्म में लेके आना है और कहा है लास्ट में सॉल्व करना है। सो कैनोनिकल फॉर्म में इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ठीक है पार्शियल फिर इसको कंपेयर करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। नाउ यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या है वाई माइनस वन, एक्स क्या है माइनस के वाई स्क्वायर माइनस वन और टी क्या है वाई ब्रैकेट वाई माइनस वन। ठीक है नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे पास आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक वैल्यू जैसे ही आप ये फाइंड करेंगे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्डा वन इज इक्वल टू वन और लैम्डा टू इज इक्वल टू वाई विच आर रियल एंड डेस्टिनी रूट्स। ठीक है नाउ फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे क्रॉसपॉन्ड टू लैम्डा वन एंड लैम्डा टू आर सेम वही है लैम्डा आपको इस सब वैल्यू सी वन और सी टू की फाइंड आउट करनी है। ठीक है और आप जैसे कर लेंगे कैलकुलेशन इजी है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि जहां इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको वहां समझाऊंगी यहाँ पे। ठीक है जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करेंगे वहां लैम्डा टू की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वन अपॉन वाई डी वाई आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोग की फॉर्म में यूज करें। ठीक है हमने यहाँ पे लिया है लोग हमारे पास सी टू आ जाएगा वाई ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y को चेंज कर देंगे u एंड b, सो u इज इक्वल टू x प्लस y, y इज इक्वल टू y x स्क्वायर फॉर्म वही लिखेंगे p की वैल्यू निकालेंगे q की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेशन अब आप लिखें। ठीक है
है, जहाँ आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आए, जो इक्वेशन आपको समझ में आए, वो आप मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ मेन है हमारे पास आर और टी, जो भी हमें वैल्यूज दे रखी उसको फाइंड आउट करने के लिए। सो हमने यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, वही हमने पी की वैल्यू रखी, हमारे पास ये आ गई। अब इसको क्या करा, इसके साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ यहाँ पे हम वी को, जैसे हम इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जब सेम वेरिएबल्स होते हैं तो हम उसको अगेन ही पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। सो हमने यहाँ पे भी क्या करा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट करा। सो हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर देंगे अपना एस, जो हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल डेल जेड अपॉन डेल वाई, जहाँ पे डेल वाई की वैल्यू हमने रख दी। अब इसको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद फिर जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये सेम ऐसी। अब जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वेरिएबल आ रहा है, इसको हम फिर से यू वी वाले फॉर्म में हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जहाँ फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, ठीक है, सेम वही हमने यहाँ पर किया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अंदर वाली वैल्यू को हमें सेम ऐसे ही ब्रैकेट में रखना है। अब हमने इस पूरी कैलकुलेशन को सेम ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, टी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, नॉट सब्सटीट्यूट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जैसे ही आप वैल्यू सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन आपको अरेंज करना है, लिख देंगे इस पूरी वैल्यू को, हमारे पास कुछ इक्वेशन नंबर 11 इस फॉर्म में आ जाएगी। नाउ विच इज़ अ कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म आ गई। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया क्योंकि आगे उसमें बोला था सॉल्व इट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 11 आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वी, जो लास्ट में वैल्यू दी होती है उसके रेस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है। सो वी के रेस्पेक्ट में हम इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या ले लेंगे, अल्फा वन यू, इक्वेशन नंबर 12। नाउ वे आर अल्फा वन यू क्या है, हमारे पास आर्बिट्री फंक्शन ऑफ यू। नाउ अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 12 को पार्शली सॉरी इंटीग्रेट करेंगे यू के फॉर्म में, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 12 विद रेस्पेक्ट टू यू। सो वी हैव जेड इज इक्वल टू यू वी स्क्वायर प्लस अल्फा वन यू ऐसे ही। अब एक और कॉन्स्टेंट आ जाएगा, वो हो जाएगा वी, ठीक है, फाइव स्क्वायर फाइव टू वी। सो हमारे पास फाइव वन यू इज द इंटीग्रल ऑफ फाइव वन यू विद रेस्पेक्ट टू यू एंड फाइव टू वी इज द आर्बिट्री फंक्शन ऑफ वी। सो हमारे पास जेड हमारे पास क्या जगह ये, अब हमारे पास यू और वी जो वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 9 और 10 से हमने यहाँ पर रख दी, ठीक है, रखने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये जेड हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस द इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है, फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन। सेम वही इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो वैल्यू दी होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, जीरो के इक्वल ले आएंगे, फिर उस इक्वेशन को हमने कुछ इस फॉर्म में लिख देंगे जो हमें पता होता है, जेड इज अल्फा जेड एक्सिस को हम आर लिखते हैं, अल्फा जेड वाई स्क्वायर को हम टी, अल्फा जेड को क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कंपेयर करेंगे अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, जहाँ आर की वैल्यू ये है वाई जीरो टी माइनस वाई टू एन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लैम्डा वन और लैम्डा टू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास आपको बस लैम्डा वन और लैम्डा टू वैल्यू ही जैसे ही आपको अच्छे से फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे तो आगे पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक से ध्यान रखनी है। हमने क्या करा, लैम्डा स्क्वायर इसको हम लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड दिया वाई टू एन, और ये वाली जो वैल्यू थी एन माइनस वन स्क्वायर इसको हम इसके अपॉन में ले आए, ठीक है। अब इसको लैम्डा ये आगे अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, टू एन है तो हमारे पास बचेगा एन, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ऑब्वियसली एन माइनस वन प्लस माइनस वन। सो लैम्डा वन प्लस वाई एन एन माइनस वन एन लैम्डा टू माइनस के वाई एन अपॉन एन माइनस वन रियल है, क्योंकि इसमें आई की नहीं मेंशन है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रियल है, रियल है एंड डिस्टोनिक रूट्स हैं। डिस्टोनिक रूट क्यों है, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है, एक में प्लस साइन है एक में माइनस साइन है। आगे फिर सेम वही प्रोसेस है, पार्शियल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को कोरस्पॉन्ड करना है लैम्डा वन एंड लैम्डा टू में,
ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ हमारी सेम ही रहेगी सभी क्वेश्चन में। यहाँ पे लैम्डा वन की वैल्यू रखेंगे, लैम्डा टू की वैल्यू रखेंगे। पहले हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में लैम्डा वन की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद सी वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो कैलकुलेशन आप देख लें, सी वन हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस बाई माइनस के एन प्लस वन। फिर लैम्डा टू की वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर में रखेंगे तो हमारे पास सी टू की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास यहाँ से। ठीक है, मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं आपको बता रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि आप कैलकुलेशन इजीली सॉल्व कर लेंगे, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए एग्जाम क्वेश्चन का। ठीक है, सो सी टू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। नाउ टू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई टू यू एंड वी कंसिडर एज। पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी फॉर्म में नहीं है वैल्यू, तो अल्फा बीटा नहीं करेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा सिर्फ कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्म में करेंगे। सो ये यू इज इक्वल टू हमारे पास, ये मतलब यू इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन नंबर सिक्स की वैल्यू होगी, वी इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन नंबर एट की वैल्यू होगी, जो हमने नाइन और टेन से कंसिडर कर लिया। पी निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, फॉर्मूला ये होता है। बस यू को आपको पहले एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, वी को भी एक्स के रेस्पेक्ट में, देन वाई के रेस्पेक्ट में वैल्यू रख देंगे। पी और क्यू फाइंड आउट हो गया। फिर आपको आर की वैल्यू मेन है हमारे पास, आर जो होता है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे इस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स को हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी। डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमारे पास ये है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ब्रैकेट की, तो आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। टी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम लिख देंगे आर टी। ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही पता चलेगा कि हमें कौन कौन से वेरिएबल्स की फाइंड करनी है। ये नहीं कि आप अपना एस भी निकाल के बैठे हैं, टी भी निकाल के बैठे हैं, नहीं। अगर हमारे पास एस जीरो है, एस दे नहीं रखा, तो आर और टी दे रखा है, तो सिर्फ आपको आर और टी तक ही निकालना है, एक्स एस नहीं फाइंड आउट करना। ठीक है, कि हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखनी है किसकी, आर की और टी की और क्यू की। ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा था तो यहाँ पे लिखना है। सो टी भी आपने फाइंड आउट कर लिया, टी हमारे पास कुछ इतना लंबा सी ये वैल्यू आ जाएगी। बस कैलकुलेशन ध्यान रखें, स्टेप्स को देखें, मैंने किस तरह से पार्शली डिफरेंशिएट करा है ब्रैकेट के ब्रैकेट अंदर, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि कौन सी वैल्यू मैंने किस जगह यूज़ करी थी। नाउ सब्सटीट्यूट कर देंगे आर और टी और क्यू की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जैसे मैंने बताया वही पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आर टी और क्यू की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखी, तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। नाउ हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, मैंने कैलकुलेशन का यहाँ पे लिखा भी है, आपको भी एग्जाम में इस तरह से ही लिखना है। टेकिंग कॉमन एन माइनस वन इन अबव इक्वेशन, सो वी गेट, जैसे ही आप एन माइनस वन कॉमन निकालेंगे तो वो जीरो के फॉर्म में चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमारे पास ये आएगा, ये प्लस में दे रखा है, माइनस में तो कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ अगेन इसकी मल्टीप्लाई अंदर पूरे ब्रैकेट में कर देंगे, हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी ये कैंसिल हो रहा है, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास लास्ट आंसर आ गया। ये पूरी वैल्यू इसके अकाउंट में जाएगी तो जीरो हो जाएगी ना, तो डेल स्क्वायर जेड डेल यू अपॉन डेल वी जीरो, इक्वेशन नंबर 16 विच इज द कैनोनिकल फॉर्म। नाउ इंटीग्रेट करेंगे कैनोनिकल फॉर्म को, पहले वी के रेस्पेक्ट में, फिर वी के रेस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आएगी, जैसे कि ये आ गई क्योंकि जीरो है तो हमारे पास कॉन्स्टेंट फाइव वन यू आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे यू के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड, और इसको जेड ही आएगा, यहाँ पर फाइव वन यू ऐसे ही प्लस ए कॉन्स्टेंट फाइव टू वी। नाउ वी है फाइव वन यू इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फाइव वन यू एंड वी टू यू इज आर्बिट्री फंक्शन ऑफ वी विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फाइव वन यू और फाइव टू यू हमारे पास यू के प्लेस पर और वी के प्लेस पर हम वैल्यू रखेंगे अपनी इक्वेशन नंबर नाइन एंड टेन से, हमने यहाँ पर रखी, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको चैनल की वीडियो कैसी लगी है, तो प्लीज़ ज़रूर करें, मुझे काफ़ी मोटिवेशन होता है आप मेरी वीडियो सब देखते हैं तो। सो क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसको कैनोनिकल फॉर्म में बनाना है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है हमने उसको यहाँ एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास S है, ये हमारे पास T है, सिंबल आपको याद रखने हैं। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करेंगे, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये होती है सेम वही पैटर्न, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ लैम्डा वन लैम्डा टू कैसे है इक्वल आए हैं। अभी तक आपने रियल डिस्टिंक्ट और कॉम्प्लेक्स वाले मेथड देखे थे, अब यहाँ पर क्या आया, इक्वल आया। ठीक है, तो अब वो पैटर्न एक देख लेते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे अपनी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को
टू लैम्डा वन एंड लैम्डा टू से, तो हमारे पास आ गया लैम्डा वन और लैम्डा टू की वैल्यू इक्वेशन थर्ड एंड फोर में रखें, ये सेम रहेंगे इक्वेशन हमेशा हर क्वेश्चन के लिए, लैम्डा वन भी माइनस वन आ जाएगा। सो एक ही को फाइंड आउट कर लो आप, हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा, और या तो उसको डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई लिख देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो सी वन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फोर में भी तो भी हमारे पास सी टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। नाउ आगे देखें, चेंज करेंगे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, एक्स वाई टू को, एक्स वाई को यू एंड वी से, तो यू हमारे पास सेम ही है एक्स माइनस वाई, वी करेंगे तो हम वो हमारे पास, अब हम वी में क्या करेंगे, वी भी हमारे पास सेम रहेगा, बस थोड़ा सा फंक्शनल चेंज करने के लिए वी हम ले रहे हैं, इसके अपोजिट उसको प्लस ले लेते हैं, ठीक है। नाउ ऑल्सो वी हैव टू टेक वी एज सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट ऑफ यू, सो लेट वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नाउ पी फाइंड आउट कर लेंगे आप, पी का फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू रख देंगे, क्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आर फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल है कैलकुलेशन यहाँ पे, और एस भी फाइंड आउट कर लेंगे, ये इजी है इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला ये है, इसको हमने इस तरह से फॉर्म आउट किया, फिर ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, टी भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सब्सटीट्यूट करेंगे आर एस एंड टी की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लास्ट में हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर जीरो, कैनोनिकल फॉर्म है, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने जनरल सॉल्यूशन कहें या प्रूफ करने के लिए कहें, आपको लास्ट में इंटीग्रेशन जरूर सॉल्व करना है। हमारे पास आ जाएगा फाइव वन यू, फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइव वन यू प्लस फाइव टू यू आ जाएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। जेड इज इक्वल टू वी फाइव वन यू प्लस फाइव टू यू, हाँ, क्योंकि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वी, तो इसलिए हमारे पास वी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वन को, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी, ओके, विद रेस्पेक्ट टू अगर वी करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। वी की वैल्यू रखेंगे, यू की वैल्यू रखेंगे, वी की वैल्यू एक्स प्लस वाई हमने जो लाइट करी थी, यू की वैल्यू एक्स माइनस वाई, यू की वैल्यू एक्स माइनस वाई, यूजिंग नाइन एंड टेन इक्वेशन, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नाउ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, जो आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अब हमें यहाँ पर कैनोनिकल फॉर्म करना है एंड सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट है, सेम पैटर्न है, गिवन इक्वेशन को पूरी वैल्यू को हम अपने लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, जीरो ले आएंगे कैनोनिकल, फिर हाँ उसमें हमको सिंपल सिंबलाइज कर देंगे, जैसे कि ये है हमारे पास एस, सॉरी आर, ये हमारे पास एस, ये हमारे पास टी, ये हमारे पास पी, ये है हमारे पास क्यू, ये पूरी ही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई, ठीक है, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर्म बन गई। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, कंपेयर कर देंगे इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, आर हमारे पास वाई स्क्वायर, एस हमारे पास माइनस के टू एक्स, टी है कैपिटल, टी के हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ आप सॉल्व कर देंगे, लैम्डा वन लैम्डा टू कैसे हैं, सेम है, इक्वल है, तो अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही आएगा, लैम्डा वन लैम्डा टू हमारे पास सेम आ जाएगा, सी वन। नाउ चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कॉमा वाई को यू और वी से, यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट है, लेट कर लेंगे वी, इसको अपोजिट ले लेंगे, अगर वो प्लस में तो ये माइनस में, बी निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा, आर भी निकल जाएगा, नाउ एस भी निकल जाएगा जब टी निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का शायद टी भी हो गया, सब्सटीट्यूट जब करेंगे शायद, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन देखें, ये नीचे कैंसिल है, कटा हुआ है, इसको आप ना देखें, ठीक है, इससे ऊपर देखें, ये तो हमारे पास सेम वही वैल्यू, जब हम इसमें हमारे पास ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें जब हम आर एस टी पी क्यू की वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। नाउ इस इक्वेशन को अब हमने यहाँ लिखा है, बस आप ये कैलकुलेशन अच्छे से देखें, क्योंकि मैं भी जब सॉल्व कर रही थी थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, जो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर रखा है आपको दिखा देती हूँ, बस कैलकुलेशन आप यहाँ पे अच्छे से करें, ठीक है। वाई स्क्वायर वाला ब्रैकेट ऐसे ही रखा पहले मैंने, एक्स स्क्वायर वाला ब्रैकेट ऐसे ही रखेंगे, और फिर जो भी वैल्यू है उसको ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन आप ध्यान से रखें, फिर हमारे पास बस ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 14, आप ये ध्यान से करें, ठीक है, जो कैंसिल होगा वो मैंने कैंसिल कर रखा है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें तब आप अच्छे से कर लेंगे। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, हमारे पास फाइव वन यू, फिर इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी,
हमारे पास क्या आ जाएगा, वी फाइव वन यू प्लस फाइव टू यू, वी और यू की वैल्यू रख देंगे आर्बिट्री फंक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल फॉर्म वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके मैंने सभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी इस पूरी एक सिंगल वीडियो में मैंने कवर कर दिए। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। नेक्स्ट मैंने आपको इम्पोर्टेंट थ्योरम्स भी आपको करा दी है, ग्रीन फंक्शंस क्या होता है ये सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप सभी के लिए बाउंड्री वैल्यू सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन है इस तरह के बाउंड्री वैल्यू क्वेश्चन, ये मैं आपको कवर कराऊंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर आपके रिस्पांस पर बेस्ड होगा कि आप मेरे इस वाले लेक्चर को किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, तब मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लिखाऊंगी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अगर ये इस मेरे वीडियो पर अच्छे से आप अपना रिस्पॉन्स देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जिस पर हम अपने सभी इंपॉर्टेंट एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे अपनी न्यूमेरिकल। देखें इसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।